हाँ जी, वेलकम टू वेन्यू बाजी, जहाँ मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन वेन्यूज और बैंकेट्स की लाइव डेकोरेशन और उनका सेटअप। तो जी, आज एक बार फिर से मैं आ गया हूँ पीरागढ़ी। पीरागढ़ी कहाँ पे? ये पीरागढ़ी का सबसे फेमस बैंकेट हॉल है, जिसका नाम है रॉयल पेपर्स। जी हाँ, तो आज हम आए हैं रॉयल पेपर्स। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले देखते हैं कैसी है यहाँ की डेकोरेशन, और फिर यहाँ पे बात करेंगे मैनेजमेंट से क्या है पर प्लेट चार्जेस और कितने लोगों की हो सकती है गैदरिंग। तो चलें फिर, लेकिन उससे पहले मेरा लोगो म्यूजिक। आइए अब बात करते हैं यहाँ के मैनेजमेंट से और जानते हैं क्या है यहाँ के पर प्लेट चार्जेस और कितने लोगों की हो सकती है गैदरिंग। तो हेलो सर। हाय सर। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम है राजीव शर्मा। ओके सर, वेलकम टू माय वेन्यू बाजी चैनल। थैंक यू वेरी मच बाजी। और आई एम वर्किंग हियर एज अ जनरल मैनेजर। ओके। इस कंपनी के अंदर वी स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2014 रॉयल पेपर बैंकवेट्स। ओके। और आज हमारा मेरे से छः सात साल हो गए हैं तो वी आर रनिंग द बैंकवेट्स। ओके। तो सर, यहाँ पे कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है? देखिए, ये जो हमारा बैंकवेट है, ये नियर अबाउट 5,500 square feet एरिया में बना हुआ है। ओके। 55,000 इसके अंदर आपके पास, हमारे पास तीन हॉल्स हैं। अच्छा। एक तो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ऑलमोस्ट सबकी कैपेसिटी जो है सेम है। ओके। बट लेकिन जैसे ग्राउंड फ्लोर हमारा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पैलेस 1 एंड पैलेस 2। ओके। जो ग्राउंड फ्लोर का नाम है हमारा पैलेस है। ओके।
उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर आ जाता है जिसके अंदर कि हम सेम गैदरिंग कर सकते हैं, बट उसके अंदर पार्टीशंस नहीं है। आपका जो हमारा पैराडाइज हॉल है वो भी आपके 700 से 800 तक की गैदरिंग कर सकता है इजीली, और मैक्सिमम व्हिच इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। ओके, सेकंड फ्लोर भी हम आपको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक का नाम हमारा एक्सोटिक है और एक हमारा पवेलियन हॉल है। ओके, जिसके अंदर आप डिवाइड अगर करते हो 300-300 की गैदरिंग आप आराम से इजीली कर सकते हैं, और 400 तक की भी हमने गैदरिंग एक हॉल में की है। ओके, तो अगर आप दोनों फ्लोर को इकट्ठा कर देंगे तो वो भी 800 से 1000 की गैदरिंग आप कर सकते हो उसमें। ओके, और अगर अब मैं बात करूं कि यहाँ पे मिनिमम कितने लोगों की गैदरिंग हो सकती है? मिनिमम 100 लोगों की आप गैदरिंग कर सकते हैं। अच्छा, डिपेंड्स ऑन द डेट, सीजन डेट्स। ओके, जैसे अब कोविड सिचुएशन चल रहा था तो कोविड में हमने 50 लोगों की गैदरिंग को ही हमने गाइडलाइंस को ही फॉलो किया। ओके, और 50 लोगों का फंक्शन हमने किया। ठीक है, और जो मैक्सिमम है वो? सर मैक्सिमम तो देखिए, जब कोविड से पहले हमने 800 और 1000 लोगों का भी किया है। okay. और दो हॉल में मिला के हमने 1500 का भी किया है। अच्छा, क्योंकि एक में हम अपना खाना प्लेस कर देते हैं और दूसरे में आपका वेडिंग का रिसेप्शन हो जाता है। ओके, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर हो गया और फर्स्ट फ्लोर हो गया। हाँ जी। ओके, और यहाँ पे पर प्लेट चार्जेस क्या है? सर हमारी जो स्टार्ट रेंज, जो रेंज हमारी स्टार्ट होती है वो 1200 से लेके और 2500 तक की रेंज जाती है हमारी। ओके, और हमारा खुद का अपना इवेंट्स का भी है और डेकोरेशन भी हमारी खुद की इनहाउस टीम ही के द्वारा किया जाता है। ओके, और अगर मैं बात करूँ डेकोरेशन की तो कितने से स्टार्ट हो जाती है? सर देखिए, डेकोरेशन की वैसे तो मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है। हाँ जी, बट अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे तो 25,000 से स्टार्ट लेकर आप उसको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक अच्छी खासी डेकोरेशन करा सकते हैं। डिपेंड्स ऑन ओकेजन। ओके, कोई सगन है, गोल टिक्का है, शादी का फंक्शन है, तो आप करा सकते हैं। अच्छा, और अगर अभी हम ये जो बैलून की डेकोरेशन अभी हमने देखी है, इसके अगर चार्जेस की बात की जाए तो? देखिए, बैलून के पैकेजेस जो स्टार्ट होते हैं वो भी 25,000 से मिनिमम स्टार्ट होता है। ओके, और इसके अलावा इसमें थीम्स होती हैं बहुत सारी, जैसे हमारे पास थीम्स हैं, इसमें कृष्णा थीम होती है, इसके अंदर बारबी थीम है, प्रिंसेस थीम है। ओके, इसके अलावा इसमें आप कई और तरह के जंगल थीम्स वगैरह भी करा सकते हो, विच गोज़ अप टू 1.5 to 2 lakh रुपीस। ओके, हाँ, जिसके अंदर बैलून एज वेल, बैलून विद द डेकोरेशन, कंप्लीट डेकोरेशन। अच्छा, इसमें मैंने जैसे आपको कहा कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, राइट, बिकॉज अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं सबकी। हाँ जी, अभी हमने लास्ट अभी 2 दिन पहले ही फंक्शन किया है। ओके, जिसका कि डेकोर हमने 1.25 लाख रुपए का डेकोर खाली बैलून का किया था। अच्छा, जिसके अंदर हमने कार थीम दी थी और कार के द्वारा एंट्री कराई गई थी बच्चे की। ओके, मैजिशियन था उसमें, कोऑर्डिनेटर था, और इसके अलावा एंकर भी होता है, और इसके अलावा कैंडी बार वगैरह बहुत कुछ था जो बर्थडे के फंक्शन के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ओके, और अगर मैं बात करूं डीजे चार्जेस की तो वो कहां से स्टार्ट होता है? सर डीजे विद एलईडी मिनिमम स्टार्ट्स फ्रॉम 25,000 रुपीस। ओके, एंड दैट कैन आल्सो गो अप टू 50,000 रुपीस टू 1 lakh रुपीस, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ओकेजन और काइंड ऑफ इवेंट यू वांट, बिकॉज़ डीजे प्ले करने वाले की कैटेगरीज अलग अलग होती है। राइट राइट राइट, और इसके साथ में एलईडी स्क्रीन्स के साथ में भी डीजे बहुत चलते हैं आज के डेट में, तो नॉर्मली आप ले सकते हैं 20,000 से 25,000 रुपये में आपको डीजे यहाँ से स्टार्ट मिलेगा। ओके, और इज अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ डीजे, ओरिजिनल JBL साउंड सिस्टम हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और रेंट सर इसके अलावा आप जैसे जैसे थीम आप ऑर्गेनाइज कराते जाएंगे तो बढ़ती है। ठीक है, और अगर अब मैं बात करूँ यहाँ पे लीकर सर्व की तो क्या यहाँ पे अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है सर, बैंकवर्ड का अपना तो कोई लाइसेंस नहीं है, बट यू हैव टू परचेज अ गवर्नमेंट लाइसेंस। ओके, इसकी की नॉर्मल फीस 15,500 रुपये है। ओके, जो कि आपने बाहर से परचेज करना है। ओके, और यहाँ पर हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो कस्टमर अपना लीकर भी लेके आ सकता है या बैंकेट के थ्रू ही उनको लेना पड़ेगा? देखिए, लीकर शॉप से आपको लीकर लाइसेंस प्रोवाइड हो जाएगा, वहीं से आपको लीकर परचेज करनी है। अच्छा, कस्टमर कोई भी कैंटीन या आप अपनी अपनी पर्सनल लीकर नहीं लेकर आ सकते, बिकॉज इट हैज़ टू मैच विद द बार कोडिंग्स। ओके, तो अप्रूव्ड शॉप से ही लेकर लेकर आएँ ताकि हम आपको उस चीज़ को अलाउ कर सकें। ओके, तो सर ये तो हो गई सारी चार्जेस की और डेकोरेशन की बात। यहाँ की अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे स्पेशल क्या मिलेगा? देखिए, सबसे चीज़ पहली स्पेशल तो ये है कि हमारा जो फोकस रहता है वो यहाँ पर, अगर हमारे यहाँ 100 की पार्टी है, हाँ जी, तो हमारा फोकस 100 के 100 गेस्टों पर रहता है। ओके, हम ये चाहते हैं कि हमारे 100 के 100 गेस्ट कुछ जाएँ। उसके लिए हमारी पूरी टीम, जो हॉस्पिटैलिटी टीम है हमारी, जो एफएनबी के सर्विस के लड़के हैं, सारे प्रोफेशनल स्टाफ हमने हायर किया हुआ है। ओके, एंड जिसके अंदर की हमारे गूगल के रिव्यूज़ और फेसबुक रिव्यूज़ बहुत अच्छी तरह से लिए जाते हैं, कस्टमर से फीडबैक ली जाती है। ओके, और सबसे ज़्यादा जो बढ़िया स्पेशलिटी मैं आपको बताऊँगा वो है कि दिल्ली का ओनली बैंक्वेट है ये, जो कि हबो बोट गर्ल्स सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ओके, वो हमने रॉयल मेंशन देखा आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो दिस इज द मोस्ट यूनिक एंड स्पेशल थिंग
दैट दिस बैंक्वेट इज प्रोवाइडिंग ओके, जो आपको कहीं भी दिल्ली के बैंक्वेट्स में नहीं मिलेगी। ओके तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है बताइए सर, मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या स्पेशल डिस्काउंट देंगे? देखिए एज फार एज द डिस्काउंट इज कंसर्न इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस डेट पर आप बुकिंग कराने आ रहे हैं और कैसे साए की डेट है या नहीं है। नॉर्मली क्या है कि हमारे तो बहुत बेस्ट पैकेजेस हैं दिल्ली के अंदर, आप अगर रॉयल पेपर का बैंकवुड का नाम लेंगे तो बहुत ही अच्छे पैकेजेस और बहुत ही अच्छी डील्स हम देते हैं, बट फिर भी आपके व्यूवर्स जो भी होंगे वो यहाँ आएंगे डिपेंडिंग ऑन देयर डेट्स, जो भी बेस्ट से बेस्ट हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं वो ज़रूर देंगे। श्योर सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो कैसा लगा वेन्यू फटाफट से मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके के वेन्यूज रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए। और बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अगर नहीं पसंद आया हो तो इसे आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर डिसलाइक करने के साथ साथ मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी ताकि मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकूँ। और तब तक के लिए चीयर्स।